नीतीश जी का जो कमिटमेंट है, बिहार के विकास के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, और भारत सरकार पूर्वी भारत के विकास के लिए संकल्पबद्ध है, ये दोनों अवधारणाएं 2022 जब देश आजादी के 75 साल मनाए तो मेरा बिहार राज्य भी हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की बराबरी में आकर खड़ा रहे, उस संकल्प लेकर के आगे बढ़ना। देश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और देश की 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, इन 10-10 टोटल 20 यूनिवर्सिटीज, इनको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए एक आज जो सरकार के सारे बंधन है, सरकार के जो कानून नियम है, उससे उनको मुक्ति देना। और दूसरा, आने वाले 5 साल में इन यूनिवर्सिटीज को 10,000 करोड़ रुपया देना। मैं आज अनुभव से कह सकता हूं, आज हिंदुस्तान का शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जहां सिविल सर्विस का नेतृत्व करने वाले पहले 5 लोगों में, बिहार की पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी न हो, ये हो नहीं सकता।